बच्चों के लिए मतलब अगर जो प्रेग्नेंट लेडीज हो उनको क्या कैसे कैसे डाइट प्लान रखना चाहिए, क्या चीज़ खानी चाहिए, मतलब टाइप ऑफ न्यूट्रिशन बैलेंस डाइट लें, तो बैलेंस डाइट के अकॉर्डिंगली मतलब ये सारी चीज़ें उसमें कॉम्बिनेशन में लेनी चाहिए, ये सब उसके लिए हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन है। इम्यूनिटी के लिए, इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए हमारे पास है ना 10 से 11 रोज योगा सेशन होगा सुबह में। सबसे पहले ये दवाई है ना, जो भी ऐसी दवाई होगी ना उसको पानी मिला के पीना है, ठीक है। आपने क्या करना है, 2 चम्मच दवाई लेनी है, 2 ही 4 चम्मच पानी मिक्स करने हैं और उसको सुबह शाम रोटी के आधे घंटे बाद लेना है, मतलब पानी मिला के लेना है इस दवाई को, ऐसे नहीं लेना, ठीक है। उसके बाद ये चूरन है हमारा, ये खांसी जुकाम के लिए है, इसको हमें नहीं समझ आने कुछ लगा, ठीक है। आते थे काली अस्ते ठीक है, एडिया ने ग्लो वाली दिखी है काली अस्ते शायद, ठीक है। ये अशोक अंदर आपकी दूध में ये ताकत अस्ते है, ये पानी वाला ये पीओ माता जी, आप पार्लियामेंट में आ सकते हो, बड़ी पास है आपके पास, मैं वहां बिल्कुल। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक शर्मा, मैं डेटेट ऑफ आयुष की तरफ से यहाँ पे एक छोटा सा कैंप लगा रहे हैं, जिसमें हम बेसिकली ना हमारा जो मेन पर्पस है इस कैंप लगाने का वो है लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाना। हमने कुछ इम्यूनिटो बूस्टिंग के लिए यहाँ पे मेडिसिन का अरेंज किया, साथ में अगर कोई पर्टिकुलर डिजीजेस के लिए भी है, इट्स अ बोथ मतलब इम्यूनिटो बूस्टिंग प्लस हेल्थ कैंप, ताकि लोगों को हम ये भी अवेयर और यहाँ पे अवेयरनेस भी किया जाएगी योगा के रिलेटेड, क्योंकि आपको पता है कि योगा इज़ द प्राइम इस टाइम सबसे ज़्यादा। सर मैं डॉक्टर रेखा हूँ, यहाँ पे मेडिकल अफसर वार्ड नंबर 10 में हेल्थ वेलनेस सेंटर पार्लियामेंट में हूँ, और आज हमने यहाँ पे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ मिलके एक इम्यूनो बूस्टिंग कैंप का आयोजन किया है वार्ड नंबर 13 में, और हमारा मेन मकसद यही है कि लोग सर स्वस्थ रहें। और यहाँ मेरे साथ योगा इंस्ट्रक्टर भी हैं अंकुश मोदल जी, वो लोगों को योगा करवा रहे हैं और योगा के बारे में अवगत करवा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे 10 से 11 यो डेली योगा सेशन हो रहा है पार्लियामेंट में, वहाँ पे लोग हमसे जुड़े और योग का फ़ायदा लें। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपने देखा मेरे साथ हमारी भारतीय जनता पार्टी की जीवन ज्योति जी, जिन्होंने कल मुझे फ़ोन करके यहाँ पर बुलाया था, और आपने देखा अभी डॉक्टर दीपक जी ने और मैडम डॉक्टर आशा जी ने और हमारी जो सोशल वेलफेयर से रेखा जी और सोशल वेलफेयर से हमारी बहन शिल्पा जी, इन्होंने बताया कि किस प्रकार से आयुष की डिपार्टमेंट की तरफ से ये फ्री मेडिकल चेकअप जो कैंप है, तो पिछले दिनों भी आपने देखा हमारे कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में उनकी मेहनत से हर वार्ड में ऐसे कैंप जो है, और कोरोना में आयुष विभाग की तरफ से बहुत सारे ऐसे मेडिकल कैंप जो है ऑर्गेनाइज कराए गए, और लोगों की जो इम्यूनिटी है उसको किस प्रकार से बढ़ाया गया, ऐसा मोदी जी ने एक आयुष विभाग के माध्यम से ये मेडिसिन जो है सभी को उपलब्ध कराने के लिए कहा था, तो उसी प्रकार से आज इनकी पूरी टीम यहाँ जो हमारा सावन चक्का एरिया है वार्ड नंबर 13 और 14 के लिए आज ये स्पेशल कैंप लगाया गया, और बड़ी संख्या में मातृशक्ति मेरी माताएं बहनें यहाँ पर पहुँची हैं। मैं अपनी तरफ से मीडिया के माध्यम से भी आपको भी ये कहना चाहूँगा कि मोदी जी के प्रयासों से ऐसा सारा संभव हो पाया, और आज पूरी टीम आपके घर पर ये मेडिसिन लेके आई है। मोदी जी ने समय समय पर हमारा, मैं कहूँगा कि कोरोना के बीच में आप सबने देखा है कि किस प्रकार से मोदी जी ने इस देश के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित किया है, और ये आयुष विभाग के माध्यम से ऐसा संभव हो पाया। तो मैं अपनी तरफ से आयुष विभाग के जितने भी अधिकारी डॉक्टर साहब दीपक जी, रेखा जी, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के जो लोग लोगों की बेहतरी के लिए, लोगों की इम्यूनिटी बूस्टर जो मेडिसिन है उनको उपलब्ध कराने के लिए इन्होंने कैंप लगाया है, ऐसे कैंप जो है पिछले दिनों भी चलते रहे हैं और आने वाले समय में भी आप देखेंगे।